शहर जम्मू में सूर्यपुत्री तवी नदी के किनारे मौलाना आजाद स्टेडियम में आपका बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी। जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार था वो पल आ पहुंचा है। आप सबके सामने हमारे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ पहुंचे हैं। इनके साथ स्टेज पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद लोकसभा श्री जुगल किशोर शर्मा जी और माननीय सांसद राज्यसभा जनाब गुलाम अली खटाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनम्र निवेदन है माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से कि वे शॉल, माता की स्मारिका, बसोली की पेंटिंग, माता की स्मारिका भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। पुनः निवेदन है माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से कि स्वागत संबोधन के लिए कृपया तशरीफ लाएं। मंच पर विराजमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तथा दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी, जम्मू के माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री गुलाम अली खटाना जी, आज इस सभा स्थल पर मौजूद सभी डीडीसी के चेयरपर्सन्स, अनेक पूर्व मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक, भाइयों बहनों, प्रशासन के हमारे सभी सहयोगियों, गुलशन ग्राउंड, साइंस कॉलेज, भगवती नगर तथा जम्मू कश्मीर के 280 ब्लॉकों, सभी नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं से जुड़े हुए जम्मू कश्मीर के सभी भाइयों बहनों तथा मित्रों, नए भारत और नए जम्मू कश्मीर के शिल्पकार, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं मंदिरों के शहर जम्मू में अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा फैसला हुआ
जिसके कारण 7 दशकों की पीड़ा, अन्याय, अलगाववाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से जम्मू कश्मीर को मुक्त कर इसे सामाजिक आर्थिक विकास के नए रोल मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रयास हुआ है। अप्रैल 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब पल्ली आए थे तो 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए थे। आज जब हमारे मंच हैं तो 32,247 करोड़ रुपए के विकास की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी अभी करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में शायद विकास के इतने बड़े कार्यक्रम कभी नहीं हुए थे और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आने वाले 4 महीनों में 20,000 करोड़ की परियोजनाएं और पूरी हो जाएंगी। वैसे तो 2025 तक 60,000 करोड़ की परियोजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में चल रही हैं वो पूरी हो सकेंगी। जम्मू कश्मीर में चारों ओर व्यापक बदलाव, कोने कोने में विकास की हलचल, माननीय प्रधानमंत्री जी के वैभवशाली जम्मू कश्मीर के निर्माण की प्रतिबद्धता का ही प्रत्यक्ष प्रमाण मैं मानता हूं। पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय, समता और समावेशी विकास निश्चित रूप से सुनिश्चित किया है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग हों, वेस्ट पाकिस्तान के शरणार्थी हों, इनको भी दशकों बाद सामाजिक न्याय मिला है और अब उनके जमीन और जायदाद का मालिकाने हक को भी हम आने वाले दिनों में सुनिश्चित करने वाले हैं। दलित हों, आदिवासी भाई हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों तथा हमारी बहनें, महिलाएं हों, समाज के अन्य कमजोर वर्गों को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से सशक्त बनाया है। अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा वंचितों को पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण अधिकार संपन्न बनाया गया है। इतिहास में पहली बार पंचायतों तथा अर्बन लोकल बॉडीज में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, ये एक संवैधानिक बाध्यता थी, इसके कारण पंचायतों के चुनाव नहीं हो सके या अर्बन लोकल बॉडी के। अब इस आरक्षण के बाद उस चुनाव को भी समय से कराया जाए, इसकी व्यवस्था जरूर की जाएगी। हमारी बहनों के लिए, नारी शक्ति के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। लंबे समय से पहाड़ी भाइयों की एक मांग थी उन्हें आरक्षण की सुविधा दी जाए। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि पहले से जो गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी भाई थे उनके आरक्षण को बिना छेड़े हुए पहाड़ी भाइयों को भी आरक्षण दे करके उन्हें सशक्त बनाने का काम किया है। पिछले 4-5 वर्षों में जो भी हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई हैं, चाहे गुजर हों, बकरवाल हों, गद्दी हों, सिप्पी हों, सीना हों, इनको जो सुविधाएं देश के अन्य हिस्सों में मिलती थीं पिछले 4-5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण भी उनके सामाजिक विकास को भी नई गति देने में हमें सफलता मिली। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 42 लाख से ज़्यादा नागरिकों ने भागीदारी किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी वाली गाड़ी हर एक परिवार तक सभी योजनाओं का लाभ लेकर के पहुंची है। इस जन आंदोलन में जम्मू कश्मीर देश में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। साथ ही चाहे आज़ादी का अमृत महोत्सव हो, हर घर तिरंगा हो या मेरा माटी मेरा देश हो, जन अभियानों में भी जम्मू कश्मीर ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और कर्तव्य पथ पर जम्मू कश्मीर को मेरी माटी मेरा देश के लिए देश का प्रथम पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में औद्योगिक विकास की गति भी जम्मू कश्मीर में तेज हो गई है। 90,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव आज जम्मू कश्मीर में निवेश के मिले हैं। 14,000 करोड़ के काम जमीन पर हो रहे हैं। 46 नए इंडस्ट्रियल इस्टेट जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं
और जो भी प्रस्ताव आए हैं इन्हें हकीकत में बदलने का काम हम जरूर शुरू करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आकांक्षाएं भी राष्ट्र की आकांक्षाओं से जुड़ गई हैं। पिछले 4 वर्षों में 34,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं और आज मैं कहना चाहता हूं कि पूरी तरह पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर। अब वो जमाना चला गया जब किसी की सिफारिश से और किसी की पर्ची से नौकरी मिला करती थी। आज मैं कहना चाहता हूं 12,000 पदों की नियुक्तियां जारी हैं और आज ही 4,022 पुलिस भर्ती की जरूरतों को भी अखबार में हमने विज्ञापन दिया है। 8 लाख से ज्यादा नौजवानों को स्वरोजगार योजना के स्टार्टअप योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सहायता मिली है। 87,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई 8 लाख बहनें हमारी आज जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। वहीं प्रोजेक्ट को पूरा करने की रफ्तार भी हमारी 10 गुनी बढ़ गई है। जहां 18-19 में 9,000 प्रोजेक्ट पूरे होते थे, वहां पिछले वित्तीय वर्ष में 92,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं और इस वर्ष 1 लाख से ज़्यादा परियोजनाएँ हम पूरा करेंगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि 2019 में जहाँ 40 ई सर्विसेज थी, आज 1100 से ज़्यादा ई सर्विसेज देकर के जम्मू कश्मीर देश का सबसे अधिक ई सर्विस देने वाला यूटी या राज्य बन गया है। जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की आमदनी बढ़े, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, जिसमें 5,013 करोड़ रुपए बजट के अलावा 5 वर्षों में खर्च करने की अनुमति प्रधानमंत्री जी ने दी, उसके कारण 13 लाख परिवारों का जीवन बदलने वाला है। संपूर्ण पूरा विश्व इस बात का साक्षी है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक नागरिक को अपनी मर्जी से जीने का हक प्रदान किया है। आतंक की घटनाओं में भी 75% से ज़्यादा कमी आई है। जो भी तंजीमें थीं उनके टॉप कमांडर उचित जगह पहुंचा दिए गए हैं। रिक्रूटमेंट भी लगभग समाप्त हो गया है। हड़ताल का कैलेंडर जो हमारा पड़ोसी जारी करता था, अब वो कैलेंडर जारी नहीं होता। अब जम्मू कश्मीर प्रशासन शिक्षा का, रोजगार का कैलेंडर जारी करता है। स्टोन पेल्टिंग अब इतिहास की घटना हो गई। बाजार और स्कूल और यूनिवर्सिटी पूरे वर्ष खुले रहते हैं। कश्मीर घाटी में आम आदमी नाइट लाइफ का आनंद उठा रहा है। जिन जिलों में पहले शाम होते ही भय पसरा रहता था, वहाँ देर रात तक सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट चल रहे हैं। जम्मू एवं श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के नए मॉडल के रूप में विकसित करने में हमें सफलता मिली। जहाँ झेलम रिवर फ्रंट पर देर रात को भी नौजवान गिटार बजाते हुए दिखता है, आने वाले कुछ महीनों में तवी रिवर फ्रंट पर भी वही दृश्य दिखाई पड़ेगा। इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं, सदियों पूर्व से भारत का मुकुटमणि जम्मू कश्मीर ज्ञान का केंद्र रहा है, यही शारदा क्षेत्र रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन गौरव को जम्मू कश्मीर के पुनः वापस दिलाया है। 2-2 एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIT, निफ्ट, IIMC जैसे अनेक प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस तथा इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी स्किलिंग के सेंटर्स इनोवेशन और इन्वेंशन के बना करके जम्मू कश्मीर को आज एजुकेशन का सबसे बड़ा हब बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि मंदिरों का शहर अब देश का ऐसा शहर बन गया है, अकेला शहर बन गया है, जहां IIT भी है, IIM भी है, एम्स भी है और केंद्रीय विश्वविद्यालय है। देश में कोई दूसरा शहर नहीं है। वहीं स्वास्थ्य पैरामीटर्स पर भी जम्मू कश्मीर काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और हर नागरिक को माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का कवर भी मिला हुआ है। आध्यात्मिक नगरी जम्मू को अब देश के प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है। दशकों बाद जम्मू संभाग के क्षमता का अवदोहन शुरू हुआ है। सभी 10 जिलों में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आने वाले दिनों में कठुआ, जम्मू, सांबा, रियासी, उधमपुर देश के अन्य औद्योगिक शहरों के समकक्ष खड़े होंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आपने कैसे जम्मू कश्मीर का निर्माण किया है, जो बहुत अल्प समय में नया सामर्थ्य अर्जित करके विकसित भारत में अपना पूर्ण योगदान देने को तत्पर है।
व्यापार हो, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्री हो, कला हो, संस्कृति हो तथा खेल का क्षेत्र हो, नित नई उपलब्धियां आज जम्मू कश्मीर हासिल कर रहा है तथा जम्मू कश्मीर शांति समृद्धि के शिखर की ओर बढ़ रहा है। यह आपके सपनों का जम्मू कश्मीर है, यह आपके संकल्पों का जम्मू कश्मीर है। मैं इस नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए सभी नागरिकों की तरफ से आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय उपराज्यपाल महोदय। निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि वह अपने संबोधन के लिए पधारें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, दुनिया के सबसे कदावर और लोकप्रिय नेता, हम सब के हर दिल अजीज, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जम्मू की इस पावन धरती पर, शूरवीर शहीदों की इस बलिदान भूमि पर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा की कर्म भूमि पर हृदय की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। उनके साथ हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, हमारे सांसद भाई जुगल किशोर जी, गुलाम अली जी। प्रधानमंत्री जी, जिस दिन से आपके यहाँ आने की सूचना पहुंची है, उस दिन से ही यहाँ सब लोगों में एक अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत उत्साह का संचालन हुआ है। और वो इसलिए कि जिस संवेदनशीलता के साथ आपने जम्मू कश्मीर की चिंता की है, हम सब की चिंता की है, ऐसा कभी ना देखा और कभी ना हुआ। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जो आपका सबसे पहला प्रमुख कार्यक्रम था, वो था माता वैष्णो देवी कटरा रेल स्टेशन के लोकार्पण का। और हम ये भी कैसे भूल सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के थोड़े ही समय के बाद जब यहाँ एक भीषण बाढ़ आई, तो आपने अपनी पहली दीपावली कहीं और मनाने के बजाय बाढ़ पीड़ितों के बीच में बिताने का फैसला किया। प्रधानमंत्री जी, ये आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल यहां निर्माणित हुआ है। आप ही के कार्यकाल में एशिया की सबसे लंबी सुरंग चरैनी से नाशरी तक का रोड टनल निर्माणित हुआ है। आप ही के कार्यकाल में उत्तर भारत का पहला नदी सुंदरीकरण का देवी का प्रोजेक्ट, आप ही के कार्यकाल में उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, आप ही के कार्यकाल में यहां से अरोमा मिशन और पर्पल रेवोल्यूशन ने जन्म लेकर के सारे देश को एग्री स्टार्टअप्स का एक नया विकल्प दिया है, और आप ही के कार्यकाल में 40 बरस के बाद राष्ट्रीय परियोजना शाहपुर कंडी को पुनः आरंभ करके हिंदुस्तान के हिस्से का जो दरियाए रावी का पानी पाकिस्तान जा रहा था, उसे रोकने की व्यवस्था की गई। और आप ही के कार्यकाल में दो दो एम्स, आईआईटी, आईआईएम। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री जी, आपके आने के बाद 70 साल से चल रही क्षेत्रीय भेदभाव और तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हुआ। आपने सामाजिक न्याय का एक नया अध्याय आरंभ किया। जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनको अधिकार मिले, बाल्मीकियों को उनके अधिकार मिले, जनजातियों को उनके अधिकार मिले, गुजरों को उनके अधिकार मिले, पहाड़ियों को उनके अधिकार मिले। कश्मीरी पंडितों को उनके अधिकार मिले, कोई ऐसा वर्ग ना था वो वंचित रह गया। प्रधानमंत्री जी, अनुच्छेद 370 को हटा करके आपने दुनिया के आगे ये सिद्ध कर दिया, ये साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, कि मोदी है तो मुमकिन है। और फिर 500 साल के इंतजार के बाद श्री राम मंदिर के दर्शन करवा के, जहां आपने ये सिद्ध कर दिया
कि मोदी की गारंटी ही असली गारंटी है, उसके आगे और कोई गारंटी नहीं। लेकिन आपके ध्यान में एक चीज लानी है मुझे आज, और फख्र होता है ये कहते हुए कि हम जम्मू वासियों को, हम जम्मू कश्मीर वासियों को मोदी की इस गारंटी का विश्वास आज से 11 बरस पहले हो गया था। याद कीजिए, दिसंबर महीना 2013, यही स्थल, यही स्थान, इसी तरह की विशाल रैली, ललकार रैली को संबोधन किया था श्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पदभार संभालने से पहले, और उनके शब्द मुझे भली भांति याद है। आपने कहा था, क्या यहाँ के युवाओं को उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई ग्रहण करने का अधिकार नहीं? क्या यहाँ IIM नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ IIT नहीं होना चाहिए? और आपने उस गारंटी को निभाते हुए आज आप ही के शुभ हाथों से यहाँ के युवाओं को IIT भी मिलने वाला है, IIM भी मिलने वाला है। मोदी की गारंटी के आगे कोई और गारंटी नहीं, और सबसे पहले ये गारंटी हमें उस समय मिली थी जब आपने पदभार संभालने से पहले इसी स्थान पर हमें संबोधित किया था। और इसलिए जब आपकी इस संकल्प से सिद्धि के हम लाभार्थी हैं, तो हमें भी आपको ये आश्वासन देना है कि हम आपके नेतृत्व की इस विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर की यात्रा में हम सब और प्रत्येक जम्मू कश्मीर का नागरिक पूरे सामर्थ्य के साथ समर्पित होने को तैयार है, ताकि सन 2047 में जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और आपके सपनों के विकसित भारत का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर उस शताब्दी भारत के मुकुट मणि की तरह दूर से जगमगाता हुआ दिखाई देगा। इसी कामना के साथ प्रधानमंत्री जी, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के निरंतर प्रयासों से जम्मू कश्मीर निरंतर तरक्की के पथ पर अग्रसर है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर की तकरीबन 32,000 करोड़ की 220 परियोजनाओं का उद्घाटन व आधारशिला अपने कर कमलों से रखेंगे। इसके अलावा भारत सरकार के साक्षरता मंत्रालय की 13,375 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन व आधारशिला रखेंगे, जिनमें हमारे IIT व IIM भी शामिल हैं व PM उषा के 78 प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी देंगे। विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इन परियोजनाओं का रिमोट द्वारा उद्घाटन व शिलान्यास करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व कदम उठाए जा रहे हैं। इन्हीं पर आधारित आइए देखते हैं एक लघु फिल्म। भारत आज विकास की उस यात्रा का साक्षी है जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ रही है। तेजी से बढ़ते इस नए भारत के सामने आज विकसित भारत का लक्ष्य है और हर एक भारतवासी की आंखों में सपना है इस लक्ष्य की प्राप्ति का, जिसे साकार करने में शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। शिक्षण संस्थान की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, देश की शाखाएं उतनी ही ऊंचाइयों को छूती है।
और इसलिए भविष्य के लिए भी यूनिवर्सिटी और देश के संकल्पों में एक रूपता होनी चाहिए, इंटरकनेक्शन होना चाहिए। भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। आज भारत पुरातन संस्कृतियों की धड़कन साथ लेकर और आधुनिकता के साथ जुड़कर एजुकेशन सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव ला रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के तहत वर्ष 2014 से देश भर में बड़ी संख्या में केंद्रीय विद्यालय ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, IIIT, IIM, NIT और एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना एवं विस्तार में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आज ये इंस्टीट्यूट्स न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। आज केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक बदलाव आए हैं जो स्कूली शिक्षा को बना रहे हैं और भी बेहतर। स्किल यूनिवर्सिटी छात्रों को दे रही है हुनर की शक्ति। राज्यों के शिक्षण संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन को PM उषा दे रही है नई उम्मीद। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ये ऐतिहासिक बदलाव छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दे रही है गारंटी। तभी तो इनमें से कोई संस्थान मैकेट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी का है बेहतरीन उदाहरण, तो कोई अपने रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क से बना रहा अलग पहचान, कोई इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल कैंपस की कहानी कहता है, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और सस्टेनेबल लिविंग का बन रहा है उदाहरण, कहीं माइंडफुल बिजनेस लीडर्स हो रहे हैं तैयार, कहीं संस्कृत यूनिवर्सिटी के रूप में संपन्न संस्कृति की झलक है, तो कहीं सिंधु नदी का गौरव विश्वविद्यालय के रूप में मुस्कुरा रहा है। यही नहीं, पुराने संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से देश भर के 83 स्थानों में एक साथ 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के IITs, IIMs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और कौशल विद्यालय का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। कल तक कुछ चुनिंदा शहरों तक ही सीमित ये संस्थान आज पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं। ये शिक्षण संस्थान युवाओं के सपनों को, उनकी ऊर्जा को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को मजबूत पंख प्रदान कर रहे हैं, ताकि वो उड़े खूब ऊंचाई तक और छू ले आसमान। आइए शिक्षण संस्थानों के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति को मजबूत बनाने वाले इन ऐतिहासिक पलों के बनते हैं साक्षी। जम्मू कश्मीर में अमन व जनता की खुशहाली के लिए कई तरक्कियाती काम जोर शोर से चल रहे हैं। प्रस्तुत है इन्हीं पर आधारित एक लघु फिल्म। भारत का मस्तक कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और अंथक प्रयासों से आवाम के लाखों सपने साकार हुए हैं और नित नई विकास की गाथाएं लिखी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में जो विकास हुआ है वो दशकों में नहीं हुआ था। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के दिशा निर्देश अनुसार आज जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए नए अवसर बने हैं। तेज गति से अभूतपूर्व स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है और जम्मू कश्मीर विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। विकास की इस यात्रा को और अधिक गति देते हुए आज इस गौरवशाली अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा जम्मू कश्मीर में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 220 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है।
है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल, जम्मू में लगभग 1660 करोड़ रुपए की लागत से बना एम्स का लोकार्पण, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख, हिमाचल और पंजाब के नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। 750 बेड की क्षमता, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और उपकरणों के साथ एम्स जम्मू एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटी है। आज लगभग 1180 करोड़ रुपए की लागत से बने आईआईटी जम्मू और 500 करोड़ रुपए की लागत से बने आईआईएम के लोकार्पण के साथ जम्मू देश का एकमात्र ऐसा संभाग बन गया है जहां तीनों एम्स, आईआईटी और आईआईएम एक साथ मौजूद हैं। उच्च शिक्षा के इन संस्थानों से युवाओं के लिए अग्रणी टेक्नोलॉजी और प्रबंधन कौशल में नए आयाम खुले हैं, जिससे वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे। भारत की जीवन रेखा मानी जाने वाली भारतीय रेल द्वारा लगभग 16,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगभग 15,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 48 किलोमीटर बनिहाल, खड़ी, सुंबड़, संगलदान रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की गई है। साथ ही 470 करोड़ रुपए की लागत से बनी 186 किलोमीटर लंबी बारामूला श्रीनगर संगलदान रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का लोकार्पण किया गया है। ये रेल मार्ग जम्मू कश्मीर के लिए समृद्धि के नए द्वार खोलेगा, पर्यटन के साथ ही सामाजिक और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 परियोजनाओं का भी शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया है। इन परियोजनाओं में मुख्यतः श्रीनगर बारामूला उड़ी सड़क परियोजना, 4-लेन फ्लाईओवर एवं रिंग रोड श्रीनगर शामिल हैं। सड़कें, हाईवे, सुरंगें, पुल एवं फ्लाईओवर के व्यापक स्तर पर निर्माण से जम्मू कश्मीर के दूरस्थ इलाकों को जोड़ने के साथ साथ पर्यटन और सामाजिक आर्थिक विकास को बल मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से 82 परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया गया है, जिनमें मुख्यतः प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत लगभग 780 करोड़ रुपए, विद्युत क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए, आवास एवं शहरी विकास क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए और 75 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 1600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 124 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिनमें लगभग 890 करोड़ रुपए की सड़क एवं पुल निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत 350 करोड़ रुपए की लागत के कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉइज के लिए 3100 फ्लैट्स और 280 करोड़ रुपए की 9 नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की परियोजनाएं हैं। चहुमुखी और सर्वस्पर्शी विकास की इन परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के जीवन में सुगमता आएगी एवं आर्थिक और सामाजिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। जम्मू कश्मीर में नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास किया गया है। ये नया विस्तृत टर्मिनल जम्मू कश्मीर में हवाई यातायात में बढ़ोतरी को संभालने में सक्षम होगा, जिससे पर्यटन, आर्थिक विकास एवं यात्रीगण के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और जम्मू कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय पर्यटक मानचित्र पर उचित स्थान मिलेगा। इसके साथ ही लगभग 680 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जाने वाले कॉमन यूजर पेट्रोलियम टर्मिनल का भी शिलान्यास किया गया है। ये संपूर्ण प्रदेश के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण और वितरण गोदाम के रूप में काम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इतने बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास जम्मू कश्मीर के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत है। विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर के विकास की ये यात्रा निरंतर जारी है। कन्याकुमारी से कश्मीर की रेल यात्रा जो कभी एक सपना था, अब वो साकार होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। इसी क्रम में वादी कश्मीर में श्रीनगर स्टेशन से चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन से बारामूला के बीच चलने वाली ट्रेन को अब माननीय प्रधानमंत्री जी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आओ।
धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। देश भर में पिछले कुछ समय के दौरान लाखों युवाओं को रोजगार हासिल हुआ है। इसी क्रम में आज जम्मू कश्मीर के 1748 युवाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, जो कि डिजिटली मोबाइल मैसेज द्वारा उन्हें प्राप्त होंगे। इन्हीं में से दो युवाओं को नियुक्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रदान करेंगे, जिनके नाम हैं साइमा बशीर बड़गाम से, जिनका चयन पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है, सौरभ शर्मा सांबा जिला से, इनका चयन जेई मैकेनिकल पीडब्ल्यूडी आरएनबी में हुआ है, सौरभ शर्मा। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पर, विकसित भारत विकसित जम्मू, अमन और तरक्की की नई तस्वीर। जैसे आप सबको ज्ञात है, विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर 2023 को की थी। इस यात्रा के तहत जम्मू कश्मीर में 4,405 जगहों पर अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 42 लाख लोगों ने शिरकत की। जगह जगह भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया और उनका पंजीकरण करवाया गया, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत लाभ मिला। अब प्रधानमंत्री जी भारत सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। इसके लिए हमारे साथ सभी 285 ब्लॉक्स व 78 अर्बन लोकल बॉडीज से करीब 85,000 लोग जुड़ रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें, जम्मू कश्मीर तथा देश के लगभग सभी IIT, IIM, एम्स व अन्य शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी इस समय हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं और ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। सबसे पहले हमारे साथ हैं वीना देवी जी, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हैं। वीना जी किश्तवाड़ जिले से हैं, आज इस पंडाल में हमारे साथ मौजूद हैं वीना जी। वीना जी किस तरफ हैं आप? हाँ, देखा, देख लिया। हाँ वीना जी नमस्ते। नमस्कार परम आदरणीय। वीना जी जरा अपने विषय में बताइए, किस योजना मिली का लाभ मिला है, उसके कारण आपके जीवन में क्या लाभ हुआ है, जरा देशवासी आपको सुनना चाहते हैं। परम आदरणीय सर्वप्रथम आपको मेरी ओर से सादर चरण वंदना और श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर जो आपके शुभ कर कमलों द्वारा सफल हुआ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। मान्यवर, मेरा नाम वीना देवी परिहार है। मैं जिला किश्तवाड़ के दूरदराज खेतर देवभूमि पाटर से बिलोंग करती हूँ। अठोली मेरे गांव का नाम है सर। मैं उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हूँ सर। गांव का जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरता था, जैसे गांव जंगल से लकड़ी काट कर लाना, चूल्हा जलाना, बहुत दिक्कत आती थी। माननीय महोदय, इस संबंधी ये चूल्हे का जो खाना बनाने की व्यवस्था थी, इससे जीवन की अस्वस्थता के बहुत सारे कारण उत्पन्न हो गए थे। माननीयवर, जब से केंद्र में आपकी सरकार आई, जो लाभ मुझे मिला उससे मेरे जीवन में एक नई रोशनी मिली। आज मैं उज्ज्वला जो मुझे कनेक्शन मिला है, उसके द्वारा मैं आराम से अपने परिवार के लिए
भोजन बना सकती हूँ जो कि विद इन घंटे में काम सफल कर सकती हूँ। तो पहला लकड़ी क्या, लकड़ी बाजार से बिकती थी या आपको लकड़ी लेने के लिए जंगल जाना पड़ता था? जंगल से खुद जाना पड़ता था, खुद काट के लाना पड़ता था। तो अभी वो जंगल जाने वाला समय बच गया जी महोदय, चूल्हा जलाने का समय बच गया जी महोदय। तो उस समय का उपयोग क्या हो रहा है अब? सर आज हम क्या कहते हैं, हमारे परिवार में उसका उपयोग, जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय हमारा समय बहुत बचत हो जाती है और हमारी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थी वो भी दूर हो गई है। और क्या लाभ मिला है आपको? मान्यवर मेरे परिवार में आयुष्मान कार्ड प्रत्येक सदस्य का बना हुआ है, राम कृपा से अभी ऐसी नौबत तो नहीं आई है किंतु पूरी आश्वस्त हूँ कि कभी भी कोई अगर आपदा आन पड़े तो मेरे मंत्री महोदय ने, मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक उपहार स्वरूप दिया है जो मैं पूरी यकीन से कह सकती हूँ कि मैं अपना उपचार 5 लाख के अंदर करवा सकती हूँ। भगवान से मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि माता वैष्णो देवी की कृपा बनी रहे, आप में नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में कभी भी किसी को बीमारी ना आ जाए। धन्यवाद बीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नमस्कार दी, पुनः एक बार मेरा फिर से कोटि कोटि नमन प्रधानमंत्री महोदय, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीना जी। अब हम चलते हैं कठुआ जिले की कीर्ति शर्मा जी के पास। कीर्ति जी को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के तहत लाभ मिला है। आज कीर्ति जी जम्मू में हमारे साथ यहाँ पंडाल में मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़ रही हैं। कीर्ति जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद जी। मेरा नाम कीर्ति शर्मा है, समूह का नाम अयान है, तहसील बसोली डिस्ट्रिक्ट कठुआ की रहने वाली हूँ। समूह से जुड़ने से पहले मेरा कोई रोजगार नहीं था, मेरी कोई पहचान नहीं थी। समूह से जुड़ने से मुझे अपने परिवार को, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का मौका मिला। समूह से जुड़ने से मैं अपनी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने में सफल रही। समूह से जुड़ने से पहले मेरा रोजगार नहीं था, मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर थी। समूह से 30,000 रुपये का लोन लेकर एक गाय लेकर अपना रोजगार चालू किया, जिससे मेरे महीने की आय जो ठीक हो गई। मैंने सोचा एक महीने एक गाय से रोजगार चल रहा है तो मैं अपनी समूह की महिलाओं को साथ में लेकर 3 गाय ली, जिसके लिए मैंने समूह से 1,00,000 रुपये का लोन लिया। वहां से मेरे साथ साथ मेरी समूह की महिलाओं का भी आत्मनिर्भर बनना और उनके परिवार को भी अच्छे से चलने का रास्ता मिला। मैं समूह से जुड़ने से पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी, एक नारी शक्ति बनाने में मुझे ये समूह का बड़ा सहायता मिला है। मैं संकल्प है कि जैसे मैं आत्मनिर्भर बनी हूँ, वैसे ही मेरी समूह की सभी महिलाएं, जिले की सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बने। समूह से आपके समूह में कितनी बहनें हैं? मेरे समूह में 8 बहनें हैं। और सब पशुपालन के ही काम में लग रही हैं कि और भी काम कर रही हैं? सर पशुपालन के काम में भी लगी हैं और कोई बहनें उसमें सिलाई भी करती हैं। तो आपके बैंक से कोई लोन वोन लिया है आपने? हाँ जी सर, समूह से बैंक से हमें लोन मिला है, जिससे हमारा रोजगार बड़ा अच्छे चल रहा है। कितना लोन मिला बैंक से? सर पहले हमने 3 गाय लेने के लिए 1,00,000 रुपए लिया था,
अभी बैंक को पैसा वापस दे दिया या देना चालू है? ना सर, वो वाला हमने खत्म कर दिया है। आज 10 गाय हैं हमारे समूह की महिलाओं के पास। वाह, आपने तो बड़ी क्रांति कर दी है। हाँ जी सर। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है। आपको सरकार की और कोई योजना का लाभ मिला है? हाँ जी सर, मुझे हमें समूह से जुड़ने से पहले किसी भी योजनाओं का पता नहीं था। समूह में जुड़ने के बाद हर एक योजनाओं का पता चला और उसका हमने लाभ लिया है। जैसे आवास योजना, जल जीवन योजना, आयुष्मान कार्ड, लाडली बेटी, हर एक उज्ज्वला योजना, हर एक का हमने लाभ लिया है। वाह, आप तो बढ़िया तरीके से बताती है। थैंक यू सर। अच्छा मुझे बताइए। हाँ जी सर। मेरा एक बड़ा सपना है। हाँ जी सर। वो सपना ऐसा है कि मैं देश में आप जैसी बहनें जो हैं, जो स्वयं सहायता समूह में काम करती हैं, उसमें से 3 करोड़ बहनों को मैं लखपति दीदी बनाना चाहता हूं। 3 करोड़ लखपति दीदी, आप मुझे बताइए आपके समूह में मुझे कितनी बहनें लखपति दीदी बना सकता हूं? सर, मेरे जिले में 8,000 महिलाएं हैं जिनको मैं खुद कोशिश करके लखपति दीदी बनाने में 8,000। बहुत बहुत बढ़िया, चलिए आपको बधाई हो। शुक्रिया सर। तहे दिल से मैं अपने नरेंद्र मोदी जी का, पूज्य राज्यपाल जी का, जेके आरएलएम का, उम्मीद का और जो बड़े बड़े सहयोगी हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति जी आपका। अब हम चल रहे हैं पुंछ, जहां से लाल मोहम्मद जी संवाद करेंगे। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाया है। लाल मोहम्मद जी पुंछ से। लाल मोहम्मद जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्ते। हमारे नमस्ते। मैं पूरे पुंछ के आवाम की तरफ से मैं आपको शुक्रिया और स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। लाल मोहम्मद जी, जरा अपने बारे में बताइए, सरकार की योजना आपके इतने दूर दूर के गांव तक पहुंची है, आप तक उसका फायदा पहुंचा है, मुझे खुशी हुई। क्या क्या लाभ मिला है मैं जानना चाहता हूं। सरकार की तरफ से हम एक, मेरा नाम लाल मोहम्मद है, गुजर बरादरी से तलक रखता हूं और हम घर में 6 फरीक हैं और हमारे दादा परदादा ये सब खानाबदोश लोग थे और परेशानी हाल में कच्चे मकानों में रहते थे और मैं गांव दड़ा मोड़ा बॉर्डर पहुंच कर रहने वाला हूं, जहां हमने मिलिट्री के दौर में बहुत सी परेशानियां मुसीबतें देखी हैं, जहां शेलिंग वगैरह होती है और हम, मैं एक किसान हूँ, छोटा किसान हूँ, किसान में मजदूरी वगैरह भी करता हूँ और बहुत परेशानियों में रहते थे, कच्चे घरों में रहते थे। अब जो प्रधानमंत्री पीएमएवाई के तहत पैसा मिला है 1,30,000 रुपया, उसके जरिए हमने अपना घर पक्का बना लिया है और खुशहाली से रह रहे हैं। बढ़िया घर बना है और हम पक्का घर बनाया और बढ़िया बना है, जैसा चाहिए था वैसा बना है। बढ़िया घर अच्छा बना है। अब तो घर अच्छा बना तो बच्चे भी खुश होंगे। हाँ, बच्चे भी खुश हैं, सब ठीक है। ऐसे तो बच्चों के दोस्त भी बहुत आते होंगे। अब घर अच्छा है तो बच्चों के दोस्त भी आते होंगे। हाँ, बहुत खुशी में आते हैं। तो फिर उनको भी कुछ खिलाना पड़ता होगा। नहीं, बहुत अच्छे खुशी से रहते हैं और आपका गुण गाते हैं सभी बच्चे गांव वाले, मोदी जी नारा लगाते चलते रहते हैं छोटे बच्चे रोडों में। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूर सुदूर गांव तक सारी योजनाएं पहुंच रही है, आपको इसका लाभ मिल रहा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं लाल मोहम्मद जी।
हाँ, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी, और मैं एक अपनी कौम की तरफ से विकत भारत का एक शेर सुनाना चाहता हूँ, दो सत्रें। हाँ सुनाइए। हम गुजर या तरती मारी मारो हिंदुस्तान, हम गुजर या तरती मारी मारो हिंदुस्तान, हम ना अपना जान तू प्यारी मुल्क अपना गी शान, पावे मारा सिर ऊपर रे गोली रे बम बरसो, पावे मारा सिर ऊपर रे गोली दे गम बम भर तो, वफादारी है खून मरा मो जाने जग सारो, विकसित भारत माँ है अगे मारा शेर जवान, हमना अपनी आना अपनी जान तू प्यारी मुल्क अपना गी शान। शुक्रिया हम सब गांव वाले और मेरे पूरी पहुंच की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद लाल जी, आपने तो क्षमा बात दिया, पूरा देश आज आपको सुन रहा है। बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया और आशीर्वाद आपको देते हैं सब लोग। बहुत धन्यवाद दे रहे परेशानियों में जो लोग हैं वो भी खुशहाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लाल मोहम्मद जी। इसके बाद अब हम चलते हैं बांडीपुरा, जहां से शाहीना बेगम जी प्रधानमंत्री जी से संवाद करेंगी। इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लाभ लिया है। शाहीना बेगम बांडीपुरा से। शाहीना जी नमस्ते। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमारे साथ गुजारने के लिए। शाहीना जी जरा सुनना चाहता हूँ आपके यहाँ क्या क्या योजनाएं पहुँची हैं, जरा विस्तार से अपने बारे में भी बताइए। जी सर, सर मेरा नाम शाहीना, मैं एस एच जी मेंबर ऑफ NRLM उम्मीद, पंचायत सुनरवानी, ब्लॉक बनाकूट, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से ताल्लुक रखती हूँ। सर मैंने सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की है, मेरी फैमिली में 7 मेंबर शामिल हैं। सर गरीबी और बेरोजगारी की वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी दुश्वारियां भी पेश आई, लेकिन 2018 में जब हमारे ब्लॉक में सोशल मोबिलाइजेशन हुई, मैंने भी NRLM के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन किया। सर मैंने वहां से लोन लेके अपनी बिजनेस की शुरुआत एक स्मॉल हनी फार्मिंग से की। सर उसमें मुझे बहुत ही अच्छा फायदा मिला। फिर मैंने NRLM से CIF लोन, VO लोन, बैंक लीकेज लेके अपना मल्टीपर्पज यूनिट इस्टेब्लिश करने का काम अमल में लाया, जिसमें राइस मिल, फ्लोर मिल, मसाला मिल, ऑयल एक्सपिलर, पोल्ट्री यूनिट और हनी फार्मिंग है, जिसकी ज़रूरत हमारी डिस्ट्रिक्ट को बहुत ज़्यादा थी। सर आज मेरा रोज़गार, मेरे हस्बैंड का रोजगार, मेरे बच्चों की अच्छी खासी परवरिश, मेरे घर का अच्छा खासा गुजारा, इसके साथ साथ मेरे साथ वहाँ 5 SHG मेंबर्स और भी काम करते हैं, जिनका गुजारा, जिनका रोजगार हमारे यूनिट से निकलता है। सर NRLM ने मुझे न सिर्फ लोन बल्कि इसके साथ साथ मेरी बिजनेस की मार्केटिंग भी की, जिससे मेरे हुनर को एक नई पहचान मिल गई और मैं आज के डेट की एक लखपती दीदी बन गई। सर चलिए पहले तो बधाई, आप लखपती दीदी बन गई, मेरी तरफ से बहुत बधाई। देखिए साइना जी, मेरे लिए खुशी की बात है कि जब मैं लखपती दीदी की बात करता हूँ ना, तो दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके दुनिया भर की गंद उछालते रहते हैं, उनके गले उतरता ही नहीं है कि कोई इस प्रकार से गांव में लखपति दीदी बन सकता है क्या। साइना जी आपने ये करके दिखाया है, देश वालों को समझ आएगा कि हो सकता है। जी सर, सर NRLM के जरिए मेरी मुलाकात एनिमल हस्बेंड्री से हो गई, जिन्होंने मेरी पोल्ट्री सक्सेस को देखकर
लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सर से डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में मुझे केसीसी का लाभ दिलाया, जिससे मेरी पोल्ट्री को एक बहुत बड़ा पुश मिला, बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। सर मैं आपसे ये बात भी शेयर करना चाहूंगी कि अब हम अपना ब्रांड, अपनी डिवाइन टेस्ट ऑफ प्योरिटी कश्मीर से बाहर भी ले जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के हर घर तक अपनी डिवाइन टेस्ट ऑफ प्योरिटी ले जाना चाहते हैं, जिससे सारे एसएचजी मेंबर्स को, बहुत सारे एसएचजी मेंबर्स को रोजगार भी मिलेगा और मैं अपनी मेहनत से अपनी देश की खिदमत करने में कामयाब भी हो जाऊंगी। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरा ख्वाब है सर। साइना जी, सबसे पहले तो मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाया और आप गांव में जा करके शादी कर करके इतनी पढ़ाई के बाद भी गांव में जाके रही, कभी निराश नहीं हुई और आपने उद्यमी बनने का सपना देखा और आज आप, मैं देख रहा हूं कि आपने इस बातचीत का फायदा इतना उठा लिया है कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि आपने अपनी प्रोडक्ट का पूरे देश में प्रचार भी कर दिया। सर। तो आप बिल्कुल पक्के व्यापारी हो। सर ये आपकी माध्यम से और NRLM की माध्यम से मैं उस मुकाम तक पहुंच गई जहां पे पहुंचना मेरे जैसे आम इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर एज ए फीमेल लिव इन रूरल एरिया, एक रूरल एरिया में रहने वाली औरत, एक बच्चों की खासी जिम्मेदारियां, घर की खासी जिम्मेदारियां, ऐसे में अपनी कामयाबी अचीव करना, हासिल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। मोदी के राज में सब कुछ मुमकिन है। सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपने हमारे मतलब विलेजों में ऐसी स्कीमें दिलाई जिन्होंने हमारी रोजमर्रा जिंदगी को आसान बना दिया। बहुत बहुत बधाई हो साइना जी, आपने बहुत ही देश की बहनों को दिशा देने वाली हिम्मत दिखाई है, काम किया है, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिना जी। अब हम चलते हैं जिला पुलवामा, जहां के रियाज अहमद कोहली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत इन्हें अपने घर में नल से जल की सुविधा प्राप्त हुई है। पुलवामा से रियाज अहमद। रियाज जी नमस्ते। नमस्कार सर। रियाज अहमद बताइए, अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम रियाज अहमद कोहली है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के एक दूर दराज इलाका अंतरवाली में रह रहा हूँ। सर सर हमें पानी की बहुत दिक्कत थी, हमारी औरतें और बच्चे एक नदी से पानी लाते थे सर, जो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था। सर जैसे ही सर JGM स्कीम आई तो उसका हमें लाभ मिला, तो आज हमारे हर घर में पानी चल रहा है सर, हर घर में नल है सर, तो हमारे उसकी वजह से हमारे बच्चे भी अब टाइम पे स्कूल पे पहुंचते हैं और हम साफ पानी पीते हैं, हमारी सेहत भी ठीक है। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई सर, तो हमें एक किट सेट मिला सर, हम 5-10 दिन के बाद वहाँ पे पानी की टेस्ट करते हैं सर और हमें साफ सुथरा पानी मिल रहा है। इसके लिए मैं अपने गांव की तरफ से और अपनी तरफ से जनाब का तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर। गांव के सभी घरों को अब कनेक्शन हो चुका है, काम पूरा? जी बिल्कुल हो चुका सर। तो सब माताएं बहनों के मेरे बहुत आशीर्वाद मिलते होंगे, क्योंकि माताओं बहनों के लिए पानी एक सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है और सबसे ज्यादा मेहनत भी उनको करनी पड़ती है। तो मैं तो हर माँ को मदद करने के लिए ये पानी पहुंचा रहा हूँ। तो सब माताएं बहनों को पता है, आशीर्वाद मिलेंगे मुझे? वो सर आपको दुआएं दे रहे हैं सब लोग, जिनको आज तक पानी नहीं मिला, तो आज पानी ही जिंदगी है इंसान की सर। अच्छा आपके यहाँ और कौन कौन सी योजनाएं आई हैं जिसका पता है? सर मैं गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ और हम जंगल के बीच में रह रहे हैं सर। तो सर जैसे ही 2019 के बाद आर्टिकल 370 के बाद हमारे
जम्मू कश्मीर में सर फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ सर, तो हमने उसका लाभ उठाया, तो हमें आज मालकाना हकूक मिल रहे हैं सर। हम खुशी से अपनी ज़मीन पर रह रहे हैं, आज हम समझ रहे हैं कि हम अपने घर में रह रहे हैं। तो इसके लिए तमाम ट्राइबल कम्युनिटी की तरफ से आपका और एलजी इंतजामिया का हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं सर। देखिए, आपको शायद पता होगा नहीं क्योंकि आप तो उस समय बहुत छोटे होंगे जी। मैं करीब पिछले 40-50 साल से जम्मू कश्मीर से मेरा नाता रहा है, और पहले जब यहाँ संगठन के काम में आता था तो ज़्यादातर गुजर परिवार के लोग ही मुझे संभालते थे। मेरी सारी खातिरदारी गुजर परिवार करते थे। तो मैं आप लोगों से बहुत निकट जुड़ा रहा। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ इतना दूर सुदूर जंगलों में भी पानी पहुँचा है। सर, ये बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर रहा हूँ। आज तक तो मेरी औकात सर एक MLA तक बात करने की नहीं थी, इसकी तो बहुत खुशी है क्योंकि गांव से निकल के आके मैं देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर रहा हूँ। इसके लिए आपका ये बड़ा पान है सर, मौका दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। और भी सर, हमारे गाँव में बहुत सारी स्कीमें हैं जिनका गुजर लोगों ने या खासकर बैकवर्ड लोग हैं जो सर जिन्होंने फायदा उठाया, जैसे उज्ज्वला स्कीम है सर, मैंने खुद कनेक्शन लिया है सर, और गांव के जितने भी लोग हैं सब ने कनेक्शन लिया है सर, और उसकी सब्सिडी भी हमारे अकाउंट में आ रही है सर, तो हमारा टाइम भी बच गया सर और हमारा पैसा भी बहुत कम खर्च हुआ सर। और उस सबसे बड़ा जो आपने सर काम किया, जिसको देश के लाखों और करोड़ों लोग आपको दुआएं दे रहे हैं सर, कि हम जैसे गरीब लोगों के पास सर इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे सर, जो गोल्डन कार्ड की सहूलियत हमें मिली सर, तो आज हमारे सारे लोग खुशी से जाके सिर्फ गोल्डन कार्ड दिखा के तो अपना इलाज करवाते हैं। ये सर आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, इसके लिए पूरे देश के लोग आपको दुआएं दे रहे हैं सर, बड़ी खुशी हो रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, शुक्रिया। रियाज अहमद कोहली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ ऐसे भी मुसाफिर हैं खुद जिनके लिए सदियों राहें भी तरसती हैं, मंजिल भी तरसती है। विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो अपने प्रेरणामयी संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जितेंद्र सिंह जी, संसद में मेरे साथी जुगल किशोर जी, गुलाम अली जी, और जम्मू कश्मीर के मेरे प्रिय बहनों ते भाओ, जय हिंद। 1 बारी परतिए इस दुग्गर भूमि पर आइए, मिंगी बड़ा शैल लग्गा कर दे, डोगरे बड़े मिलनसार ने, ए जिन्ने मिलनसार ने उन्नी गाय मिट्टी इंदी भाषा है, तांगे ते डुगर दी कवित्री पद्मा सतदेव ने आखे दाए मिठड़ी ने डोगरे आदि बोली, मिठी है डोगरे दिया बोली ते खंड मीठे लोग डोगरे। साथियों, मैंने जैसा कहा मेरा नाता करीब 40 साल से भी ज्यादा पुराना आप लोगों से लगातार रहा है। बहुत कार्यक्रम मैंने किए हैं, बहुत बार आया हूं, और अभी जितेंद्र सिंह ने बताया इस मैदान में भी किया है, लेकिन आज का ये जन सैलाब,
आज का आपका जुनून, आपका ये उत्साह और मौसम भी विपरीत, ठंड भी है, बारिश भी हो रही है और आप में से एक हिलता भी नहीं है। और मुझे तो बताया गया कि ऐसे तीन स्थान यहां पर है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में स्क्रीन लगा करके लोग बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का ये प्यार, आप इतनी बड़ी संख्या में यहां दूर दूर से आए, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। विकसित भारत को समर्पित ये कार्यक्रम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आज देश के कोने कोने से, अनेक शिक्षण संस्थानों से हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हैं। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में अभी मुझे मनोज जी बता रहे थे कि 285 ब्लॉक्स में ऐसे ही स्क्रीन लगा करके वीडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। शायद एक साथ इतने स्थान पर बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज इतना बड़ा कार्यक्रम, और वो भी जम्मू कश्मीर की धरती पर। प्रकृति हर पल जब चुनौती देती है, प्रकृति हर बार हमारी कसौटी करती है, वहां भी इतना आन बान शान के साथ कार्यक्रम होना, वाकई जम्मू कश्मीर के लोग अभिनंदन के अधिकारी है। साथियों, मैं सोच रहा था कि मुझे आज यहां भाषण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों से मुझे जो बात करने का मौका मिला, जिस उमंग से, जिस उत्साह से, जिस क्लैरिटी के साथ वो सारे अपनी बातें बता रहे थे, देश में जो भी व्यक्ति उनकी बातें सुनता होगा ना, उसका हौसला बुलंद हो जाता होगा, उसका विश्वास अमर हो जाता होगा और उसको लगता होगा कि गारंटी का मतलब क्या होता है, इन पांच लोगों ने हमारे साथ बातचीत करके सिद्ध कर दिया है। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर को, इस सब मकसद को लेकर जो उत्साह है, वाकई अभूतपूर्व है। यह उत्साह हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है, जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव तक पहुंच रही थी तो आप लोगों ने उसका शानदार स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। कोई भी सरकार की योजना के लाभ, कोई भी जो उसका हकदार है, वो छूटेगा नहीं। और यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो कमल का कमाल है। और हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। भाइयों और बहनों, एक वो दिन भी थे
जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी, बम बंदूक अपहरण अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आज यहां से देश के अलग अलग शहरों के लिए और भी ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। अलग अलग राज्यों में IIT और IIM जैसी संस्थाओं का विस्तार हो रहा है। इन सारी विकास परियोजनाओं के लिए जम्मू कश्मीर को, पूरे देश को, देश की युवा पीढ़ी को बहुत बहुत बधाई। आज यहां सैकड़ों नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। मैं सभी नौजवान साथियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। और परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है तो हमारे युवा उठाते हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटी उठाते हैं। जो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं, वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती है। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती। सिर्फ अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। मुझे संतोष है कि जम्मू कश्मीर को इस परिवारवादी राजनीति से मुक्ति मिल रही है। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर को विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा शक्ति और नारी शक्ति पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। उस बच्ची को परेशान मत करो भाई, बहुत छोटी गुड़िया है। अगर यहां होती मैं उसे बहुत आशीर्वाद देता, लेकिन इस ठंड में उस बच्ची को परेशान मत कीजिए जी। कुछ समय पहले तक यहां के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। आज देखिए, जम्मू कश्मीर शिक्षा और कौशल विकास का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में शिक्षा को
आधुनिक बनाने का जो मिशन हमारी सरकार ने चलाया है उसका आज यहां और विस्तार हो रहा है। मुझे याद है साल 2013 के दिसंबर में, जिसका जितेंद्र जी अभी उल्लेख कर रहे थे, जब मैं बीजेपी की ललकार रैली में आया था तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी देके गया था। मैंने सवाल उठाया था क्या जम्मू में भी आईआईटी और आईएम जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते। वो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। अब जम्मू में आईआईटी भी है और आईआईएम भी है, और इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज यहां आईआईटी जम्मू के एकेडमिक कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का लोकार्पण हुआ है। मैं देख रहा हूं नौजवानों का उत्साह अद्भुत दिखता है। इसके साथ साथ आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, ट्रिपल आईटी डीएम कुर्नूल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल कानपुर, उत्तराखंड और त्रिपुरा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस का भी लोकार्पण किया गया है। आज आईआईएम जम्मू के साथ साथ आईआईएम बोध गया बिहार में और आईआईएम विशाखापट्टनम कैंपस आंध्र में, उसका भी उद्घाटन यहीं से हुआ है। इसके अलावा आज एनआईटी दिल्ली, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी दुर्गापुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससीआर बहरमपुर, ट्रिपल आईटी लखनऊ जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, ऐसी कई सुविधाओं का भी लोकार्पण हुआ है। साथियों, 10 साल पहले तक शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में इस स्केल पर सोचना भी मुश्किल था, लेकिन ये नया भारत है। नया भारत अपनी वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करता है। बीते 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ है। यहां जम्मू कश्मीर में ही करीब 50 नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। 50 ऐसे 45,000 से ज्यादा बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया गया है, और ये वो बच्चे जो पहले स्कूल नहीं जाते थे। और मुझे खुशी है कि इन स्कूलों का सबसे ज्यादा फायदा हमारी बेटियों का हुआ है। आज वे घर के पास ही बेहतर शिक्षा हासिल कर पा रही है। एक वो दिन थे जब स्कूल जलाए जाते थे, एक आज का दिन है जब स्कूल सजाए जाते हैं। और भाई और बहनों, आज जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं में भी तेजी से सुधार हो रहा है। 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज की संख्या सिर्फ 4 थी, यही वही आज
मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 4 से बढ़कर 12 हो गई है। 2014 में एमबीबीएस की 500 सीटों के मुकाबले आज 1300 से अधिक एमबीबीएस की सीट यहां पर है। 2014 से पहले यहां पर एक भी मेडिकल पीजी की सीट नहीं थी, वही आज उनकी संख्या बढ़कर 650 से अधिक हो गई है। 4 सालों में यहां करीब 45 नए नर्सिंग और पैरामेडिक कॉलेज खोले जा चुके हैं, इनमें सैकड़ों नई सीटें जोड़ी गई है। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं, इनमें से एक एम जम्मू का उद्घाटन आज करने का मुझे सौभाग्य मिला है। जो बड़ी उम्र के साथी यहां आए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए तो ये कल्पना से भी परे था। आजादी के बाद के अनेक दशकों तक दिल्ली में ही एक एम्स हुआ करता था। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन मैंने आपको यहां जम्मू में ही एम्स की गारंटी दी थी और ये गारंटी मैंने पूरी करके दिखाई है। बीते 10 वर्षों में देश में 15 नए एम्स स्वीकृत हुए हैं, उनमें से एक जम्मू में आज आपकी सेवा के लिए तैयार है। और एम्स कश्मीर भी तेजी से काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, आज हम एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है, मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए, 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। अब प्रदेश का कोई भी इलाका पीछे नहीं रहेगा, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहां जो लोग दशकों तक अभाव में जी रहे थे, उन्हें भी आज सरकार के होने का एहसास हुआ है। आज आप देखिए गांव गांव एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ यहां के नौजवानों ने बिगुल फूंक दिया है। आज जम्मू कश्मीर का हर नौजवान अपना भविष्य खुद लिखने के लिए आगे निकल रहा है। जहां कभी बंद और हड़ताल का सन्नाटा रहता था, वहां अब जिंदगी की चहल पहल दिखाई देती है।
साथियों, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में दशकों तक सरकार चलाई, उन्होंने कभी आपकी आशाओं आकांक्षाओं की परवाह नहीं की। पहले की सरकारों ने तो यहां रहने वाले हमारे फौजी भाइयों तक का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस सरकार 40 साल तक फौजियों से झूठे बोल देती रही, झूठ बोलती रही कि वन रैंक वन पेंशन लाएगी, लेकिन वन रैंक वन पेंशन का फायदा भाजपा सरकार ने पूरा किया। ओआरओपी की वजह से यहां जम्मू के ही पूर्व सैनिकों को, फौजियों को 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब संवेदनशील सरकार हो, जब आपकी भावनाएं समझने वाली सरकार हो, तो ऐसे ही तेज गति से काम करती है। साथियों, भारत के संविधान में जिस सामाजिक न्याय का भरोसा दिया गया है, वो भरोसा पहली बार जम्मू कश्मीर के सामान्य जन को भी मिला है। हमारे शरणार्थी परिवार हो, वाल्मीकि समुदाय हो, सफाई कर्मचारी हो, उनको लोकतांत्रिक हक मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पद्दारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्डा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र तो विकसित जम्मू कश्मीर की बुनियाद है। साथियों, जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों का बहुत बड़ा लाभ हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को हुआ है। हमारी सरकार जो पक्के घर बनवा रही है, उनमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम है। हर घर जल योजना ने हजारों की संख्या में शौचालयों के निर्माण ने, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज ने यहां की बहनों बेटियों का जीवन बहुत आसान बनाया। आर्टिकल 370 हटने के बाद हमारी बहनों को वो हक भी मिले हैं जिनसे पहले उनके वंचित रखा गया था। साथियों, आपने नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में भी सुना होगा। मोदी की गारंटी है कि हमारी बहनों को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। मैं कल एक बहन का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रही थी मुझे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता था और आज मैं ट्रेनिंग के बाद ड्रोन पायलट बनकर के घर जा रही हूं। देश में बहुत बड़ी संख्या में बहनों की ट्रेनिंग शुरू भी हो चुकी है। इसके लिए हमने हजारों स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने का निर्णय लिया है। लाखों रुपए के इन ड्रोन से खेती और बागवानी में मदद मिलेगी। खाद हो, कीटनाशक हो, इनके छिड़काव का काम बहुत आसान हो जाएगा और बहनों को इससे अतिरिक्त कमाई होगी। भाई और बहनों, पहले भारत के बाकी हिस्से में एक काम होता था और जम्मू कश्मीर में उसका लाभ या तो मिलता ही नहीं था या फिर बहुत देर से मिलता था। आज विकास के सारे कार्य पूरे देश में एक साथ हो रहे हैं। आज देश भर में नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर भी कभी किसी से पीछे नहीं है।
आज जम्मू एयरपोर्ट के विस्तार का काम भी शुरू हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी को रेल से जोड़ने का सपना भी आज और आगे बढ़ा है। थोड़ी देर पहले ही श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारामूला के लिए ट्रेनें चली है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर से ट्रेन में बैठकर लोग पूरे देश के सफर पर निकल पाएंगे। आज वो पूरे देश में रेलवे के बिजलीकरण का इतना बड़ा अभियान चल रहा है, उसका बड़ा लाभ इस क्षेत्र को भी मिला है। आज जम्मू कश्मीर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। इससे प्रदूषण को कम रखने में बहुत मदद मिलने वाली है। साथियों, आप देखिए, जब देश में वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेन शुरू हुई तो हमने इसके शुरुआती रूट्स में जम्मू कश्मीर को भी चुना। हमने माता वैष्णो देवी तक पहुंचना और आसान बनाया। मुझे खुशी है कि आज जम्मू कश्मीर में दो वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। साथियों, गांव की सड़कें हो, जम्मू शहर के अंदर की सड़कें हो या फिर नेशनल हाईवे, जम्मू कश्मीर में चौतरफा काम चल रहा है। आज अनेक सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इसमें श्रीनगर रिंग रोड का दूसरा चरण भी शामिल है। ये जब बनकर तैयार होगी तो मनसबल झील और खीर भवानी मंदिर आना, वहां जाना और आसान हो जाएगा। जब श्रीनगर बारामूला उरी ये हाईवे का काम पूरा होगा तो इसे किसानों और टूरिज्म सेक्टर को और ज्यादा लाभ होगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, इसके विस्तार से जम्मू और कटरा के बीच की सुविधा और बेहतर होगी। जब ये एक्सप्रेस वे बनकर तैयार होगा तो जम्मू और दिल्ली के बीच आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। साथियों, विकसित होते जम्मू कश्मीर को लेकर आज पूरी दुनिया में बहुत उत्साह है। मैं तो हाल में ही गल्फ देशों के दौरे से लौटा हूं। वहां जम्मू कश्मीर में निवेश को लेकर बहुत पॉजिटिविटी है। आज जब दुनिया जम्मू कश्मीर में G20 का आयोजन हो देखती है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक पहुंचती है। पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर की सुंदरता, यहां की परंपरा, यहां की संस्कृति और आप सभी के स्वागत से बहुत प्रभावित हुई है। आज हर कोई जम्मू कश्मीर आने के लिए तत्पर है। पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए, जो एक रिकॉर्ड है। अमरनाथ जी और श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा हो गई है। आज जिस गति से यह इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसको देखते हुए ये संख्या आने वाले समय में कई गुना बढ़ने वाली है। पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या यहां रोजगार के भी अनेकों नए अवसर बनाने वाली है। भाई और बहनों, बीते 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना है। जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो क्या होता है? तब सरकार के पास लोगों पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे आता है। आज भारत गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पक्के घर, गैस, टॉयलेट, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी अनेक सुविधाएं दे रहा है। ये इसलिए क्योंकि भारत की आर्थिक ताकत बढ़ी है। अब हमें आने वाले 5 वर्षों में भारत को दुनिया की
तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बना रहा है। इससे गरीब कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की देश की क्षमता कई गुना और बढ़ जाएगी। यहां ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कश्मीर की वादियों में लोग स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे। इसका फायदा जम्मू कश्मीर के हर परिवार को होगा, आपको होगा। आप हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और आज जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतना बड़ा विकास उत्सव हुआ है, हमारे पहाड़ी भाई बहनों के लिए, हमारे गुजर भाई बहनों के लिए, हमारे पंडितों के लिए, हमारे वाल्मीकि भाइयों के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए ये जो विकास उत्सव हुआ है, मैं आपसे एक काम कहता हूं, करोगे करोगे एक काम करोगे, अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट जला करके आप इस विकास उत्सव को जरा आनंद लुटाइए। सब अपने मोबाइल की फ्लैश चालू कीजिए, जो जहां खड़ा है सब अपने मोबाइल की फ्लैश चालू करें और विकास उत्सव को उसका स्वागत करें। हम सबके मोबाइल फोन के फ्लैश लाइट चालू हो जाए, सबके मोबाइल के ये विकास उत्सव सारा देश देख रहा है कि जम्मू चमक रहा है, जम्मू कश्मीर की रोशनी देश में पहुंच रही है। शाबाश, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय।